आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे इस न्यूज को जहां पर कहा जा रहा है कि फ्रांस इस MBRL को इवैल्यूएट करने वाला है। सबसे पहले इस न्यूज के सोर्स को समझ लेते हैं। ये रिपोर्ट ANI की रिपोर्ट है और उनकी ये रिपोर्ट एक बाइट के बेसिस पर है जहां पर फ्रेंच फोर्सेस के एक ब्रिगेडियर जनरल बता रहे हैं कि भारत और फ्रांस की रिलेशनशिप एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और वो लोग इस समय पिनाका को इवैल्यूएट कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि भारत के सिस्टम वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स होते हैं और क्योंकि फ्रेंच फोर्सेस को इस समय लॉन्ग रेंज MBRLs की आवश्यकता है, इस वजह से वो पिनाका को इवैल्यूएट कर रहे हैं। चलिए, ये तो हुई सोर्स की बात, अब समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। देखिए, यूक्रेन वॉर के दौरान हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि लॉन्ग रेंज आर्टिलरी के तौर पर MBRLs बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं और अगर आपके पास में इनकी एक लार्ज फ्लीट है तो आपकी आर्टिलरी काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फ्रेंच सर्विसेज के पास में किसी भी तरीके का MBRL मौजूद नहीं है और ना ही उनकी कोई कंपनी इस समय MBRLs बना रही है। यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद में यूरोप की तरफ से काफी तेजी से बिल्डअप भी किया जा रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे यूरोप की तरफ से MBRLs अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है और हम लोगों ने पास में देखा है कि पोलैंड ने किस तरीके से साउथ कोरियन MBRLs को अपने बेड़े में शामिल किया है। नॉर्वे और रोमानिया भी साउथ कोरिया के साथ में MOU कर चुके हैं और अब फ्रांस की तरफ से भी ये प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है। और ऐसी स्थिति में अगर फ्रांस अपने खुद के MBRLs के ऊपर काम करना शुरू करता है तो उनको कम से कम 5 से 7 साल का समय लगेगा और ऐसे में अगर वो बाहर से इस तरीके के सिस्टम्स को अक्वायर कर लेते हैं और देश में असेंबल कर लेते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट काफी आसानी से एड्रेस हो सकती है। इसी कोशिश में फ्रांस की तरफ से ये प्रोसेस इनिशिएट किया गया है जहां पर नेचुरली भारत के अलावा कई और देश पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें साउथ कोरिया फॉर श्योर पार्टिसिपेट करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भी अपना हाईमार्स ऑफर किया जाएगा और ऐसे में पिनाका अगर इन सिस्टम्स के साथ में इवैल्यूएट किया जाता है तो ये वैसे ही इंडिजिनियसली डिजाइन और डेवलप सिस्टम की एक विक्ट्री है। हिस्टोरिकली भारत ने बाहर से ही वेपन सिस्टम्स अक्वायर किए हैं और जिन देशों के यहाँ पर हम लोग नाम ले रहे हैं इन सभी से भारत ने कोई ना कोई वेपन सिस्टम अक्वायर किया है। ऐसे में भारत उस लीग में जाकर अगर पार्टिसिपेट करता है तो ये चीज दिखाता है कि इंडिजिनियस प्रोग्राम्स अब फ्रूट्स दे रहे हैं और जिस लेवल की टेस्टिंग से ये सिस्टम्स निकल चुके हैं वो चीज इंडिकेट करता है कि किसी भी तरीके के टेक्निकल ट्रायल्स में तो ये पीछे नहीं रहने वाले। इसके अलावा भारत में बने हुए सिस्टम्स की कॉस्ट भी कम होती है। ऐसे में मेरिट के ऊपर इन सिस्टम्स का सिलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर एक परेशानी ये भी है कि अगर फ्रांस इन सिस्टम्स को अक्वायर करता है तो अल्टीमेटली ये यूक्रेन में दिखाई देंगे, वो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए, फ्रांस की तरफ से कई वेपन सिस्टम्स यूक्रेन को प्रॉमिस किए गए हैं जिसमें मिराज 2000 है, आर्टिलरी गन सिस्टम्स हैं, यहाँ तक कि टैंक्स भी हैं। लेकिन यूक्रेन की तरफ से लगातार बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके पास में हाईमार्स का नंबर इनफ नहीं है और हाईमार्स जितनी तेजी से आ रहे हैं उतनी तेजी से वो डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। ऐसे में फ्रंट लाइंस को सस्टेन करने के लिए दूसरे सिस्टम्स की भी आवश्यकता है और क्या फ्रांस की तरफ से यही करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। एनीवेज, पिनाका के डेवलपमेंट में रशिया का किसी भी तरीके का हाथ नहीं है। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि रशिया का हाथ तो है, लेकिन वो वैसे नहीं है जैसे लोग आमतौर पर चाहते हैं। बेसिकली पिनाका का डेवलपमेंट तब शुरू किया गया था जब रशिया की तरफ से स्मर्ज की टेक्नोलॉजी चाइना को दे दी गई थी, लेकिन भारत को डिनाई कर दी गई थी। हालांकि रशिया स्मर्ज को डायरेक्टली भारत को बेचने के लिए तैयार था, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर वहां पर बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई थी। यही कारण था कि भारत की तरफ से अपने खुद के सिस्टम्स को बनाना शुरू किया गया था और इसी वजह से पिनाका के डेवलपमेंट में रशिया का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मार्केट में इस समय जितने भी MBRLs अवेलेबल हैं उनकी तुलना में पिनाका हल्के हैं, सस्ते हैं और कम डायमीटर के साथ में लगभग उनके बराबर की रेंज भी देते हैं। ओवरऑल अगर आप इस डेवलपमेंट को देखें तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये चीज ये भी इंडिकेट कर रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन यूक्रेन वॉर के चलते यहाँ पर जो रिस्क है उसको भी इवैल्यूएट करना जरूरी है और आई एम श्योर जो लोग डिसीजन ले रहे हैं उन्होंने इस चीज को कंसिडर किया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।